गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। पिछला अपना भाग टू हो गया था, आज अपना भाग थ्री चलेगा। जो भाग टू था उसमें हमने प्रेरण द्वारा आवेशन डिस्कस कर लिया था, कुलाम के नियम का उसमें हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज अपना जो भाग थ्री है उसमें जो अपना न्यू टॉपिक चलेगा वो है कुलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कुलाम के नियम का सदिश निरूपण आपको आज करना है, ठीक है। तो इस कुलाम के नियम के सदिश निरूपण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा। जैसे ये कोई आपका ये आपका कोई अक्ष वाई निर्देश तंत्र है, यह आपका अक्ष है और यह आपका वाई है। इस निर्देश तंत्र में कोई दो आवेश, एक आवेश क्यू वन, दूसरा जो आपका आवेश है वो है क्यू टू। बिंदु मान लो ए और बी पर रखे हुए हैं, तो क्यू वन आवेश का ये जो आपकी मूल बिंदु ओ है उसके सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश आर वन सदिश, और दूसरा जो अपना आवेश है क्यू टू उसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो आपका स्थिति सदिश है वो है आर टू सदिश। और ये दोनों आवेश हैं जो निर्वात में स्थित हैं। अब इस आर टू सदिश का आर वन सदिश के सापेक्ष जो आपका स्थिति सदिश होगा वो होगा आर टू वन सदिश, ये होगा आपका आर टू वन सदिश, और जो आपका आर टू वन सदिश होगा वो आर टू सदिश माइनस आर वन सदिश के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल चाहिए आपको, और फिर हम देखेंगे इस Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला जो अपना बल होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, जिसको हम लिखेंगे F21 वेक्टर से। ये आपका होगा F21 वेक्टर, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और उसको लेंगे हम F12 वेक्टर से। इस प्रकार से ये हम एक सिस्टम बनाएंगे और इससे कुलाम के नियम का नियम है उसका सदिश निरूपण करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आप इस डायग्राम के नीचे आपको नोट करना है कि माना माना Q1 व Q2 दो आवेश जिनके जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष के सापेक्ष स्थिति सदिश आर वन सदिश व आर टू सदिश निर्वात में स्थित हैं।
निर्वात में स्थित है। अब नीचे लिखोगे फिर अतः आर टू सदिश का आर वन सदिश के सापेक्ष स्थिति सदिश तो इसके सापेक्ष आप इसका स्थिति सदिश एक त्रिभुज के संयोजन का नियम आपने पढ़ा है 11th क्लास में, उससे आप निकाल सकते हो। एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास ओ ए बी, तो यहाँ देखो आर वन की डायरेक्शन ये, आर टू वन की डायरेक्शन ये, तो इसके विपरीत आर टू की डायरेक्शन है, तो इससे आप आर टू वन वेक्टर निकाल सकते हो। तो ये आपका जो आर टू वन वेक्टर होगा वो हो जाएगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। अब नीचे आपको इस Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल चाहिए, तो यहाँ से अतः Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियम से तो कूलाम के नियम से लिख सकते हो आप। कूलाम का नियम आपने पहले भी पढ़ा है, तो कूलाम के नियम से आपका हो जाएगा एफ टू वन वेक्टर इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर टू वन वेक्टर है, और ये आर टू वन केप इसकी डायरेक्शन। अब देखो आप यहाँ से नीचे आ पाएगा आर टू वन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप सबको पता है कि जो आपका आर टू वन केप है ये यूनिट वेक्टर है अपना, तो यूनिट वेक्टर आपका होता है आर टू वन वेक्टर अपॉन आर टू वन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप करवा सकते हो, तो अपने पास आर टू वन वेक्टर इक्वल टू आर वन वेक्टर क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर टू वन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये आपके पास ऊपर आ जाएगा आर टू वन वेक्टर। ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप करवा दिया आपने। अब देखो यहाँ पर आपके पास आर टू वन वेक्टर की वैल्यू है, पहले ऊपर निकाल लिया आपने, तो वो वैल्यू यहाँ रख दो, तो अपने पास आर टू वन वेक्टर इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे आ जाएगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा अपना क्यूब, ऊपर आ जाएगा अपना आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, और ये ब्रैकेट में लिख दो इसको। तो यहाँ पर ये आप क्या दे सकते हो, समीकरण एक दे सकते हो। इसके बाद जो आपका एप टू वन की डायरेक्शन है वो एप टू क्यू वन से क्यू टू की ओर है, डायग्राम में देखो आप,
एफ टू वन की डायरेक्शन किधर है, क्यू वन से क्यू टू की ओर। तो नीचे लिख सकते हो आप कि एफ टू वन की दिशा क्यू वन से क्यू टू की ओर होगी, क्यू वन से क्यू टू की ओर होगी। अब इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार आर वन वेक्टर का आर टू वेक्टर के सापेक्ष स्थिति सदिश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका आर वन टू वेक्टर। तो आर वन टू वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। ये भी अपना जो डायग्राम में जो अपना त्रिभुज बना है ओ ए बी, ठीक है, उसी से त्रिभुज के संयोजन के नियम से आ जाएगा अपना। अब अतः क्यू टू के कारण क्यू वन पर लगने वाला बल, अतः क्यू टू के कारण क्यू वन पर लगने वाला बल, तो वो क्या हो जाएगा विद्युत बल, वो हो जाएगा अपना एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर वन टू वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा आपका आर वन टू कैप। अब देखो यहाँ पर जो आपका यूनिट वेक्टर है, चूँकि आर वन टू जो केप है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर वन टू वेक्टर अपॉन आर वन टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट अप करवा सकते हो, तो अपने पास एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आर वन टू वेक्टर, और इसके ये वैल्यू है यहाँ रखोगे तो पहले स्क्वायर है, अब क्या हो जाएगा क्यूब, और ऊपर आ जाएगा आपका आर वन टू वेक्टर। अब आर वन टू वेक्टर आपने ऊपर निकाल लिया, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुटअप करा दो, तो अपने पास एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। यहाँ ऊपर अपना आर वन टू वेक्टर है, तो इसकी जगह अपना आ जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, समझ गए। अब देखो यहाँ पर जो अपने ब्रैकेट में ऊपर है आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। तो नीचे आप लिख सकते हो एफ वन टू वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। और यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, यह आपका समीकरण क्या हो गया, दो। अब समीकरण एक और दो की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है, तो नीचे लिखना है आपको समीकरण
एक व दो से। नीचे डायरेक्शन भी लिखो तो लिख देना इस प्रकार से, ये F12 वेक्टर की दिशा, की दिशा Q2 से Q1 की ओर होगी। अब समीकरण है, समीकरण है एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से जब आप इसकी तुलना करोगे तो अपना जो F21 वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड परिमाण तो दोनों का क्या रहेगा बराबर, और दिशा दोनों की क्या रहेगी अपोजिट, तो अपना आ जाएगा F12 वेक्टर। तो परिमाण दोनों का बराबर, दिशा क्या रहेगी अपोजिट। अतः आप नीचे लिख सकते हो कि अतः दो आवेशों पर एक दूसरे के कारण, एक दूसरे के कारण लगने वाले विद्युत बल का परिमाण समान, परिमाण तो क्या होगा समान, व दिशा विपरीत होती है, दिशा विपरीत होती है। चाहे आवेश सजातीय हो, सजातीय हो या विजातीय, जातीय हो, ये अपना कूलाम के नियम का क्या है सदिश निरूपण है। ठीक है, कोई भी दो आवेश है उस दोनों आवेशों के ऊपर एक दूसरे के कारण जो लगने वाला विद्युत बल है उन दोनों का परिमाण तो हमेशा क्या रहेगा समान। देखो आपको दिखाई दे रहा है परिमाण दोनों का क्या आ रहा है समान आ रहा है, और दिशा इन दोनों की क्या रहेगी विपरीत। चाहे अपने दोनों आवेश पॉजिटिव हो, चाहे दोनों आवेश क्या हो नेगेटिव हो, चाहे एक आवेश पॉजिटिव हो चाहे एक आवेश नेगेटिव हो, यही आपके पास क्या आएगी कंडीशन आएगी। यही अपने कूलाम के नियम का क्या है सदिश निरूपण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। आगे अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं उनका यहाँ पर क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट आप टॉपिक डाल सकते हो कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। देखो ये कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कूलाम का नियम क्या क्या चीज किन किन चीजों को क्या कर रहा है
समझा पा रहा है उन चीज़ों का यहाँ पर आपको बताना है। जैसे पहली बात तो वो कूलाम के नियम से सिद्ध हो रही है कि कूलाम का जो नियम है, ठीक है, वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की क्या करता है, अनुपालना। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग आ रहा है, देखो सदिश निरूपण इसका अपना आया ना, एफ टू वन वेक्टर माइनस एफ वन वेक्टर एफ वन टू वेक्टर दोनों परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या रहे विपरीत, यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम की क्या करता है, अनुपालना करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण तथ्य आप लिख सकते हो कि कूलाम का नियम का स्थिर वैद्युतकी में वही महत्व है जो गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण नियमों का है। समझ गए कि कूलाम के नियम का स्थिर वैद्युतकी में वही महत्व होता है जो गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण नियम का होता है, ठीक है। तीसरा आप इसका महत्वपूर्ण तथ्य लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। कोई भी दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों को एक दूसरे के ऊपर लगने वाला जो बल है वो तीसरा कोई आवेश उन दोनों के मध्य लेके आ जाए तो वो कभी भी क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है। ये तीन इसके क्या हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो एक एक करके आप लिख सकते हो। तो पहला आप लिख सकते हो नंबर एक लगा कर, पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कूलाम कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। दूसरा आप लिख सकते हो कूलाम के नियम का स्थिर वैद्युतकी में वही महत्व है जो गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण नियम का है। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरा आप लिख सकते हो इसमें इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों
अन्य आवेशों से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है। ये इसके तीन क्या हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, समझ गए। तो ये कुलाम के नियम के क्या थे, महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसको आपको नोट करना है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो बहुआवेशों के कारण लगने वाला बल, या इसको आप बोल सकते हो अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है बहु आवेशों बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल, इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत भी आप इसी को बोलते हो। अब देखो यहाँ पर अपने बहुआवेशों के कारण लगने वाला कोई भी आपका निकाय है, उस निकाय में क्या है, दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं, तो उन सब आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल आपको चाहिए, समझ गए। जैसे मैं बता देता हूँ आपको इस प्रकार से, ये अपना कोई निकाय है, ये कोई आपका सिस्टम है एक्स वाई, ये कोई मूल बिंदु ओ है। अब इस निकाय में बहुत सारे एन आवेश रखे हुए हैं, जैसे एक आवेश है आपका यहाँ पर क्यू वन, दूसरा यहाँ पर आपका आवेश है क्यू टू, तीसरा यहाँ पर आपका आवेश है क्यू थ्री, और ऐसे मान लो यहाँ पर डैश 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 एन आवेश हैं, तो यहाँ पर कोई एनवा आवेश रखा हुआ है क्यू एन, ठीक है। तो क्यू एन आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश अपना हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्थिति सदिश आ जाएगा इसका जो स्थिति सदिश होगा अपना आर वन सदिश, क्यू टू आवेश का मूल बिंदु की सापेक्ष स्थिति सदिश वो आपको पता चल गया होगा, ये है आपका आर टू सदिश, और क्यू थ्री आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वो आपका आर थ्री सदिश, और ये आपका एनवा जो आवेश है उसका जो आपका स्थिति सदिश होगा वो आपका आर एन सदिश, समझ गए। अब देखो यहाँ पर कोई बिंदु, ये मान लो बिंदु आपका कोई पी है, बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर कोई आवेश रखा हुआ है क्यू नोट, कौन सा आवेश रखा हुआ है क्यू नोट, तो इस क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल चाहिए,
ठीक है, तो सबके कारण लगने वाले बल निकालेंगे और उनका क्या कर देंगे हम, बीजगणितीय योग कर देंगे। तो जैसे Q1 के कारण इस पर लगने वाला बल, तो Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो वो आपका हो जाएगा F01 वेक्टर। इसी प्रकार Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, वो आपका आ जाएगा F02 वेक्टर। इसी प्रकार Q3 के कारण लगने वाला जो बल है वो आपका आ जाएगा F03 वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका एनवा जो चार्ज है उसके कारण लगने वाला बल वो आपका आ जाएगा F0N वेक्टर। समझ गए, इस प्रकार का आपका ये कोई सिस्टम है। तो यहाँ पर यह आपको सिस्टम बनाना है, निकाय बनाना है, उसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है आपको कि यदि यदि किसी किसी निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल किसी एक आवेश पर परिणामी बल उस निकाय में उपस्थित उपस्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश लगने वाले बलों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है अर्थात अब Q0 आवेश पर लगने वाले सभी बल, तो उसका परिणामी बल F=F01 F02 F03 + --F0N। तो N बल कार्य कर रहे हैं, तो सभी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो अपने पास F01 वेक्टर जो होगा अपना वो होगा Q0 अपॉन 4 pi epsilon naught
और ये आर जीरो वन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ऊपर डायरेक्शन आ जाएगी आर जीरो वन के। इसी प्रकार एफ जीरो टू वेक्टर की वैल्यू रख दो तो ये क्यू टू क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट और ये आपका आर जीरो टू वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका आर जीरो टू कैप प्लस। इसी प्रकार एफ जीरो थ्री वेक्टर की वैल्यू रख दो यहाँ तो क्यू थ्री क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट और ये आपका आर जीरो थ्री वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका आर जीरो थ्री के। अब प्लस डैश 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 आपका जो एनवा जो बल है एफ जीरो एन उसकी वैल्यू रख दो तो यहाँ पर क्यू एन क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट और ये आपके पास आर जीरो एन वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आर जीरो एन कैप। तो ये सब का मान रख दिया आपने। अब देखो यहाँ पर जो अपना डायग्राम है ये अपना आर जीरो वन वेक्टर है, ये अपना आर जीरो टू वेक्टर है, ये अपना आर जीरो थ्री वेक्टर है और ये अपना आर जीरो एन वेक्टर है। तो क्यू वन के कारण क्यू नोट पर लगने वाला बल एफ जीरो वन आपने लिख दिया, क्यू टू के कारण यहाँ क्यू नोट पर लगने वाला बल एफ जीरो टू वेक्टर आपने लिख दिया। इसी प्रकार क्यू थ्री के कारण यहाँ पर क्यू नोट पर लगने वाला बल जो एफ जीरो थ्री है वो आपने लिख दिया और ये आपका एनवा जो चार्ज है क्यू एन उसके कारण क्यू नोट पर लगने वाला बल जो है एफ जीरो वन वेक्टर वो आपने लिख दिया। सबकी वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पर। अब यहाँ देखो इस इक्वेशन के अंदर जो भी चीज़ आपकी कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पर देखो आपके पास एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट है वो सभी स्टेप में आ रहा है तो इसको आप क्या कर लो कॉमन ले लो। तो क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में रह गया अपने पास क्यू वन अपॉन आर जीरो वन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आर जीरो वन वेक्टर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू टू अपॉन आर जीरो टू वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका आर जीरो टू वेक्टर कैप प्लस क्यू थ्री अपॉन आर जीरो थ्री वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका आर जीरो थ्री कैप और प्लस डैश 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 और ये आपका क्यू एन अपॉन आर जीरो एन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका आर जीरो एन कैप। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखो जो अपनी ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप समीशन में लिख सकते हो यानी योग के रूप में आप लिख सकते हो इसको। तो इस प्रकार से आप इसको लिखना है कि एफ वेक्टर इक्वल टू कॉमन हमारे पास आया क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट इसको तो ऐसे कैसे रख दो और ये आपका सम्मीशन। अब आई इक्वल टू वन टू अपनी स्टेप कहाँ तक चल रही है एन तक चल रही है ऊपर अपना क्यू आई अपॉन नीचे आर जीरो आई और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आर जीरो आई और ये कैप। इस प्रकार से आप इसको सम्मिशन करके भी लिख सकते हो। ये अपना क्या हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत या बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल आ गया। तो इस प्रकार से ये अपना क्या टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से ये अपना बहु आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है या अध्यारोपण का सिद्धांत तो वो कंप्लीट होता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत
क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अब देखो आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले क्या करना है, समझना कि अपना ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब आवेश के बारे में आपने जाना, ठीक है, उसके बाद आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में जानना है। तो कोई भी जो आपका विद्युत आवेश होता है, जैसे आवेश ये मान लो, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि ये आवेश क्यों है, ठीक है। इस क्यों के कारण इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएँ निकलती हैं या अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये आपका क्षेत्र है, क्या है, विद्युत आवेश के चारों ओर ये कोई क्या है, कोई क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर आप कोई अन्य कोई आवेश, जैसे मान लो कोई अन्य कोई आवेश क्यू नोट लेके आ रहे हो, तो इस अन्य आवेश पर अन्य आवेश क्या करेगा, कोई बल का अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। समझ गए भाई, क्यू आवेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर क्यों नोट आप आवेश लेके आ रहे हो, तो ये क्या करेगा, कोई बल का अनुभव करेगा, ठीक है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी, तो डेफिनेशन लिखो आप इसकी कि किसी विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये तो क्या है अपनी विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन। अब विद्युत क्षेत्र किसके कारण आता है, तो विद्युत क्षेत्र आपका आवेश और जो आवेशों का जो समूह है उसके कारण उत्पन्न होता है, और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी अपना क्या आ जाता है, विद्युत क्षेत्र आ जाता है। तो इसके उत्पन्न होने का नीचे कारण लगा सकते हो आप स्टार लगा के, कि विद्युत क्षेत्र आवेश या आवेशों के समूह तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। ये तो अपनी क्या विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन थी। अब आपको नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, नीचे हेडिंग डालनी है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप कैपिटल ई से लिखोगे। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको आप समझना है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर आप कोई इकाई धनावेश लेके आओगे, तो उस इकाई धनावेश पर लगने वाला
विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कोई भी आपका विद्युत क्षेत्र है उसमें आप इकाई धन आवेश लेके आओगे, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला जो बल है, ठीक है, उस बिंदु पर आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश, इकाई धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात ई वेक्टर इक्वल टू एफ सदिश अपॉन क्यू नोट। अब यहाँ पर जो अपना क्यू नोट आवेश है, ये आपका इकाई धन आवेश है, इसका मान आपको क्या रखना है, अत्यल्प रखना है, क्योंकि इसके कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो, प्रभावित नहीं हो। तो नीचे आप लिख सकते हो क्यू नोट, या ऐसे लिख सकते हो परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नोट का मान अत्यल्प होना चाहिए, होना चाहिए, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभावित न हो, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभावित न हो। अब देखो, आपने क्यू नोट का मान क्या ले लिया, अत्यल्प, तो इसलिए आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो आप ई वेक्टर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा कि लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो, और ये आपका एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, ये आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो नीचे आप लिख सकते हो यह एक सदिश, यह एक सदिश राशि
होती है जिसकी दिशा बल की दिशा यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इधर ही बल की दिशा होती है और इधर ही अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो बल की दिशा होती है इकाई, तो इसका मात्र एप यानी बल है अपना और नीचे आवेश है तो न्यूटन प्रति कूलाम, या इसकी इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो नीचे लिख दो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विमा भी लिख दो इसके नीचे, तो इसकी विमा बड़े कोष्टक में लिखनी है m1 l1 t-3 और a-1 होती है। इस प्रकार से यह अपनी क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये कोई आपका बिंदु आवेश है क्यों, और बिंदु ओ के ऊपर क्या है रखा हुआ है, इससे स्मॉल आर दूरी के ऊपर कोई बिंदु क्या है पी, और इसके ऊपर रखा हुआ है अपना कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट, और इस परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला क्या चाहिए आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो इसके लिए आप नीचे लिखोगे कि माना माना बिंदु ओ पर एक स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु पी पर एक
परीक्षण आवेश क्यू नोट की कल्पना करते हैं। अतः दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल अतः अतः दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, और वो किससे निकालना है आपको? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से अपना जो बल होगा एफ इक्वल टू क्यू क्यू नोट अपॉन 4πε0, और मध्य की जो डिस्टेंस है इसकी वो क्या है आर, तो ये आर स्क्वायर। इसको मैं समीकरण एक दे देता हूँ। अब नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सब जानते हो कि E इक्वल टू क्या होती है, एफ अपॉन क्यू नोट। तो यहाँ से समीकरण एक से, समीकरण एक से एफ का मान रख दो, तो एफ की जो वैल्यू है वो है क्यू क्यू नोट अपॉन 4πε0, और ये आर स्क्वायर और अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो अपने पास ई इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 और ये आर स्क्वायर। ये अपनी क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो आप इसको सदिश रूप में लिख सकते हो, तो सदिश रूप में, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 और ये आर स्क्वायर, और आर केप इसकी क्या लेनी है आपको, डायरेक्शन, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। अब देखो अपना जो E है आर के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो ये आप लिख सकते हो कि अपना इज प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r². तो इसका जो आर आर एक आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, या नीचे आप लिख सकते हो कि अतः बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है जिसका आरेख, जिसका आरेख निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। तो
आर ए कैसे आ जाएगा भाई, ये और आर के मध्य जो आपका आर ए का आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ये अपना ई और ये अपनी आर की एक्सिस है, तो इस प्रकार का प्रबलीय आर ए का आ जाएगा इसका इज प्रोपोर्शनल 1/r². तो ये क्या हो गई अपनी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमेशा आपको रखनी याद रखनी है कि बिंदु आवेश के कारण अपनी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होती है और उसका आरेख किस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार से ये आपके जो टॉपिक हैं आज इस भाग में हुए हैं उनका एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमने आज पढ़े हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक था वो था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो हमने कूलाम के नियम का क्या कर लिया, सदिश निरूपण कर लिया यहाँ पर। तो इससे हमें पता चला कि कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से अपने न्यूटन की गति के तृतीय नियम है उसकी क्या करता है, ये अनुपालना करता है, ये परिमाण में समान होते हैं और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद बहु आवेशों के कारण अपने यहाँ जो लगने वाला जो बल है वो आपने देखा, बहु आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है ये देखो इधर, ये कूलाम के नियम की क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये आपने पढ़ लिए हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की क्या कर रहा है, अनुपालना कर रहा है, और स्थिर विद्युतकी में इसका वही महत्व होता है जो गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण नियम का होता है, समझ गए। यहाँ पर देखो अपना ये दो आवेशों के मध्य, जैसे दो आवेश हैं अपने Q1 और Q2, इनके मध्य कोई हम कोई तीसरा आवेश क्यों लेके आ जाएं, तो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो बल है, ठीक है, इस तीसरे आवेश के कारण क्या नहीं होगा, प्रभावित नहीं होता है। तो ये भी इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला अपना बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, एक कोई निकाय उसमें n आवेश स्थित है, तो इन n आवेशों के कारण Q0 पर लगने वाला बल हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो अपने पास इस प्रकार से हमारा ये विद्युत क्षेत्र हो गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ ली। जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अपने पास E·F·Q0 आई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने देखा, ठीक है, वो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसकी विमा आपने देखी वो होती है आपकी m1 l1 t-3 a-1। इसी प्रकार अपना बिंदु आवेश के कारण क्या देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाली वो आई E·Q/4πε₀r², ठीक है। और जो आपका बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी r के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाति, जिसका आरेख आपको निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।